लोकसभा चुनाव 2024 को साधने के लिए एक तरफ मुंबई में विपक्ष की रणनीति बन रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष के बड़े नेताओं को उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में घेरने की योजना बना रही है। कल दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें हाई प्रोफाइल सीटों की उम्मीदवारी तय करने पर चर्चा करेगी और उसे अंतिम रूप भी देगी। एक तरफ विपक्ष का गठबंधन सज रहा है, मुद्दे तय हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मोदी और एनडीए को घेरने की योजना बन रही है, तो बीजेपी भी 2024 के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है, वो भी खास रणनीति के तहत। बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर समय से पहले ही उम्मीदवार तय कर लेगी। इसमें रणनीति ये है कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ 2-3 महीने के अंदर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सके। बीजेपी सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दरअसल 2019 में अमेठी की जीत से उत्साहित बीजेपी को लगता है कि अगर उसके उम्मीदवारों को इंडिया गठबंधन के दिग्गजों के सामने चुनावी तैयारी का मौका मिलेगा तो दिग्गजों को हराया जा सकता है। 1 सितंबर को बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में कमजोर सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। रूटीन बैठकें होती है और उसमें हम पिछली बैठक में हमने क्या तय किया, उसमें से हम कितना कर पाए, अगली बैठक में अगला लक्ष्य तय करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, यही सब होता है। और इससे काम आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने। मुझे लगता है ये डिसाइड जो है, जाहिर है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने में हमें कामयाब करेगा। और कुछ ऐसे बड़े लोग जो पहले नहीं जीत जो बार बार जीतते हैं विपक्षी पार्टी में, उनको भी हराने का पूरा समय मिलेगा, पूरे प्रयास मिलेगा और अच्छे से इलेक्शन लड़के उन्हें भी हराएंगे। बीजेपी बात तो कमजोर सीटों की करती है, लेकिन उसका टारगेट विपक्ष के मजबूत नेताओं को हराना और उनको अपने क्षेत्र में ही घेर कर रखना है, ताकि वो बीजेपी के खिलाफ दूसरे सीटों पर ज्यादा ध्यान ना दे सके। फिलहाल जो तैयारी है उसमें बीजेपी के निशाने पर शरद पवार, सुप्रिया सुले, लल्लन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और उनके परिवार से जुड़े लोग समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं की सीट शामिल है। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, ये बैठक करते रहें, इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक होकर चुनाव लड़ें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। विपक्षी एकता जुगाड़ का जमघट है, जिसका सियासी पनघट तक पहुंचना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी इनकी समस्या है कि मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। अब जब काम की गिनती कुनबे का गणित बिगाड़ दे, तो इसी तरह से जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इस बात समझना चाहिए, जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा सकते। जहां तक आप जो जमघट कीजिए, वैसे तो इस देश में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, 54 से ज़्यादा स्टेट पार्टीज़ हैं, 2,500 से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, आप जमघट करते रहिए। जाति आधारित जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और जाँच एजेंसीज के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रहे, और ये तमाम मुद्दे विपक्ष को एकजुट करने में फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन बनने के बाद इसमें थोड़ी बहुत टूट जरूर हुई है, लेकिन ये बीजेपी के उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई। बिखरने की बजाय विपक्ष का कुनबा मजबूत ही होता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने नई रणनीति के तहत अपनी 160 कमजोर सीटों पर समय से पहले उम्मीदवार उतारने की ठानी है। लेकिन विपक्ष के बड़े नेताओं को उनके लोकसभा क्षेत्र में रोकना भी बीजेपी के मिशन 2024 की रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।